जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्या शेयर करूंगी। आज मैं शेयर करूंगी, अगर आपके पास एक छोटी सी लाइब्रेरी है तो उसको हम कैसे रीअरेंज करें। तो ये देखिए, मेरे पास बहुत सारे बुक्स है, अलग अलग तरह का बुक्स है। तो पहले मैं क्या करूंगी, ये सारे बुक्स को जो है सेल्फ से निकाल दूंगी, ताकि अच्छे से बुक को भी क्लीन कर लूँ और साथ में बुक सेल्फ को भी क्लीन कर लूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे खाली कर लिया है बुक सेल्फ को। अब इसको डस्टिंग करूँगी। मेरे पास माइक्रोफाइबर का जो क्लॉथ है या फिर कॉटन का क्लॉथ होगा तो उससे आप अच्छे से डस्ट कर सकते हैं। नीचे देखिए, सारे बुक्स मैंने फैला दिया है, बहुत सारे बुक्स है, तो उसको सही तरह से रीअरेंज करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बुक्स को लेके ऊपर रख रही हूँ, डस्टिंग तो कर ली थी, लेकिन अरेंज कर रही हूँ। हिंदी के बुक को अलग कर रही हूँ, हेल्थ के बुक को अलग कर रही हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जो बुक्स है उसको अलग कर रही हूँ। तो ऐसे ही हमको अलग अलग तरह से जब हम अरेंज करते हैं तो जब हम कोई बुक ढूंढेंगे तो आसानी से तो एक हमको मिल भी जाएगी, और बुक सेल्फ को देख के ना अंदर से इच्छा होगी कि हम बुक निकल के वहाँ से पढ़ाई करें। इसे रखने से एक तो देखने के लिए सुंदर भी लगती है और हमको पता भी चल जाता है कि बुक कौन सा बुक कहाँ पे है। और ऊपर मैं एक छोटा सा स्टैचू रखूंगी और बीच बीच में कुछ ना कुछ रखूंगी, जैसे कि बुक सेल्फ भी सुंदर दिखे, साथ में जो छोटे छोटे पेन पेंसिल हो गए, कुछ हो गया, वो भी हमको वहाँ रखने के लिए जगह मिल जाए। ये भी मेरी DIY है, दो ग्लास से मैं बनाई थी उसको रख दिया है, उसमें पेन या पेंसिल कुछ भी रख लूँगी। अब ये भी एक ऑर्गेनाइजर है, इसको रख रही हूँ। क्या क्या रखूँगी कि इसमें, वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। ये नीचे वाला जो दो सेल्फ है बच्चों की है, दो नहीं एक जो है नीचे में मैंने अपना कुछ बुक्स रखा हुआ है, तो इसको भी पहले मैं निकाल दूंगी। बच्चों के कुछ एनसाइक्लोपीडिया बुक है जो बहुत ही भारी भारी और मोटे मोटे बुक्स है, इस तरह से है। कैसे अरेंज कर रही हूँ आप देखना है। मालगुड़ी डेज बुक भी मेरे पास है। हम चारों को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और इसी वजह से हमारे पास इतने सारे बुक्स है। आप बुक पढ़ते हैं कि नहीं, किस तरह का बुक पढ़ते हैं तो मुझे ज़रूर फ्रेंड्स बताना। और देखिए, मोटे मोटे बुक्स है इसीलिए मैंने उसको इस तरह से रख लिया है। और देखिए, मेरा बुक सेल्फ बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड होके मैंने उसको रीअरेंज कर दिया है। कुछ हेल्थ के बुक्स है, एक प्रेगनेंसी का बुक है जो बेटे के टाइम पे मेरी फ्रेंड सोना ने मुझे गिफ्ट की थी, तो अभी तक वो बुक भी है, जब भी देखती हूँ उसकी याद आती है। और बुक एक अच्छा चीज़ भी है, अगर किसी को गिफ्ट करना चाहो ना, मुझे लगता है बुक से अच्छा चीज़ कोई हो ही नहीं सकता है। और बहुत तरह के बुक है, आपके साथ भी मैं पहले शेयर की हूँ कि मैं बुक्स पढ़ती हूँ, अलग अलग तरह का बुक है मेरे पास। और ये देखिए, मैंने यहाँ पे पेंसिल और पेन रख दिया है, गणेश जी का छोटा सा मूर्ति भी यहाँ पे रख दी है। और देखिए, अरेंज करने के बाद जो बड़ा वाला बुक सेल्फ है कितना क्लीन दिख रही है,
यहाँ पे मैं अपने बेटे का कुछ क्यूब्स रखी हूँ, उसको क्यूब सॉल्व करना बहुत पसंद है। जब भी वो बोर हो जाता है या उसके दिमाग को रेस्ट की ज़रूरत होती है तो वो क्यूब सॉल्व करने में लग जाता है। इस तरह का बुक होल्डर भी आती है जिसको हम वॉल में इसको लगा सकते हैं, लेकिन ड्रिल करना पड़ेगा, होल भी दे रखा है यहाँ पे। इसको मैं अमेजोन से लाई थी, हो गया है 4-5 साल, लेकिन मैं इसको वॉल पे नहीं रख रही हूँ, मैं बस ऐसे ही इसको यहाँ पे रख रही हूँ। और यहाँ पे मैं बुक्स को रखूँगी, बेटे का स्कूल वाला बुक्स यहीं पर मैंने रखा हुआ है। कुछ इस तरह से मैं अरेंज करूँगी इसको, तीन था एक के साथ, मतलब सेट में। बीच में भी जो स्पेस है, दोनों के बीच में भी जो स्पेस आता है उसको भी हम अच्छे से यूज कर सकते हैं बुक्स रखने के लिए, मैं करती भी हूँ। कम स्पेस में इसको हम यहाँ पे बहुत अच्छे से बुक रख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, साथ में बहुत ही सुंदर भी दिखती है। और एक आइडिया है, ये जो है हमारे स्टैंड है, हम उसमें हमारे प्लेट्स वगैरह रखते हैं, वो स्टैंड को भी एज ए बुक होल्डर हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे बुक आ जाती है, बहुत ही क्लीन दिखती है। इसको हम कहीं पे भी रख सकते हैं, बेड के साइड पे भी रख सकते हैं, टेबल के ऊपर रख सकते हैं, इवन इसको हम हमारे जो बुक सेल्फ बड़ा वाला वहाँ पे भी एज ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करना। साथ में अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। फिर मिलेंगे एक नए एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।